तो इतने सारे खिलाड़ी जीते हैं, हाँ। सिर्फ अकेले वो विनेश फोगाट ने जीती, और जीत के भी नहीं आए, हार के आए वो तो। और ये विनेश फोगाट, अब देख लीजिए साक्षी जी भी आएगी, डेफिनेटली आएगी कांग्रेस के अंदर। मुझे तो स्टार्टिंग से पता था कि कांग्रेस में ज्वाइन करने की तैयारी की बात है, कितने शर्म की बात है। हमें डेटा दिखाया जिसमें ये बता रहे हैं कि उसे कहां पे क्या है, नहीं है, ये सारा डेटा इन्होंने दिखाया है। और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों अभी पूरे देश में हरियाणा का इलेक्शन और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कहीं ना कहीं इन दोनों मुद्दों पे देश चर्चा कर रही है। उसी बीच अभी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का मामला सामने आता है, जहां पे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखते हैं। और इसी बीच में जितने भी उनके पक्ष में लोग थे या विपक्ष में लोग थे, वो इस बात पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करते हैं। उनका कहना होता है कि वो सारे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये जो बरसला प्रोटेस्ट किए थे, वो बस एक ढकोसलेबाजी था, जो कि राजनीति में आने का एक तरीका था। इन सबको लेके बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर, आपका नाम? हिमांशु शर्मा नाम। सर क्या कहेंगे अभी जो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बस एक ढकोसलेबाजी कर रहे थे, खिलाड़ी होके वो अभी राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सच बात है। जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक डिबेट चल रही थी टीवी पे, जिसपे पूछा गया कि किसान का जो आंदोलन था वो इतना हिंसा पूर्वक क्यों हुआ। और जो राकेश टिकैत का भी बयान आया है कि हमें तो 26 जनवरी को भेका दिया गया, हाँ। नहीं तो वही कर देते, आर पार कर देते। अच्छा, ये राकेश टिकैत का, राकेश टिकैत का बयान आप जाके सर्च करिए, या मेरे पास भी दिखा दूंगा। तो उस फिर दूसरे से पूछा गया जो किसान यूनियन का नेता था कि आपको इसके बारे में जानकारी थी क्या, वो कहता मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज की। अब आप ये देखिए, उन्होंने राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को आर पार कर देते, वो तो हमें भगा दिया, और किसान नेता को पता नहीं है ये, हाँ। तो वैसे ही ये बजरंग पुनिया है। अब मैं देखूं, मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे खिलाड़ी जीते हैं, हाँ। सिर्फ अकेले वो विनेश फोगाट ने जीती, और जीत के भी नहीं आए, हार के आए वो तो। मैडम हार के आए, और इतनी लैमलाइट मिल रही है जो जीत के आए, जैसे मनु भाकर जीत के आई है ना, आपके रज वो जीत के आए, क्या नाम है उनका, नीरज चोपड़ा जीत के आए, मीरा भाई, ये सारे जीत के आए। इन नेता को कांग्रेस नहीं कही, इनसे पूछ तो लेते आप जीत के आए, कम से कम इनका मोराल तो वो कर देते, बूस्ट कर देते। सिर्फ दो ही आपको, बजरंग पुनिया और ये विनेश फोगाट। अब देख लीजिए साक्षी जी भी आएगी, डेफिनेटली आएगी कांग्रेस के अंदर। मुझे तो स्टार्टिंग से पता था कि कांग्रेस में ज्वाइन करने की तैयारी है भाई। अब कार पे जाकर रैली का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, ये नहीं देख रहे बोनेट पे तिरंगा आपने लगा रखा है? आपको इतने तो नॉर्मल से होनी चाहिए कि तिरंगा है उस पर पैर रख के आप अपना बस हाथ हिला रहे हैं कि हम आ गए। आप जीत के नहीं आए हैं, आप हार के आए। ऐसे ही रियो ओलंपिक में 2016 में हारे थे, तब भी इनका वेट बड़ा था, लेकिन 2016 में इतना कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उस वक्त चुनाव नहीं थे ना। जैसा आजकल लोग कहते हैं ना कि बीजेपी चुनाव के वो कर रही है, इसलिए तो मैं इसलिए कहता हूँ ये दोनों भी इसलिए आया क्योंकि बीजेपी वाले को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? अगर वो लड़की वहाँ खिलाड़ी जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे उनको इंसाफ नहीं मिला, और अब अगर वो ज्वाइन कर दिया पार्टी, तो उसमें बीजेपी की क्यों खलबली मच रही है? मैडम एक चीज बोलता हूँ, एक कांग्रेस थी, एक लड़की हूँ, कांग्रेस में थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राधिका खेड़ा अपनी पार्टी से लड़ पाई, स्वाति मालीवाल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपनी पार्टी से लड़ पाई है, कोई लड़ पाया अपनी पार्टी से? सोमनाथ भारती, इनको अपनी पत्नी को मारने के आरोप में जेल हुई है, अपने वो पत्नी से तो पति से तो लड़ नहीं पाई। ये सारी कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ पाई? और ये कौन सा लड़ पाई, कुछ कर पाई? इनको इसमें आ गई कांग्रेस के अंदर, हमें तो पहले से पता था ये होगा साक्षी मलिक। ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, अगर वो लड़की लड़ नहीं पा रही है तो ये तो हमारे लिए मतलब बहुत क्या है, मतलब मोरल डाउन करने वाली बात है। इस पे इतनी बात, इतना वो प्राउड क्यों? मैं हमें तो है ही नहीं मैडम उस पे प्राउड ना। अगर वो लड़की लड़ रही है खुद के लिए साक्षी मलिक, अगर अभी नहीं लेकिन साक्षी मलिक जैसा कि आप कह रहे हैं आने वाले टाइम में आ सकती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखो बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट एक चीज कहते थे, अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिक्स की भूमिका निभाओ, हाँ। अगर आप खिलाड़ी हो तो खिलाड़ी की भूमिका निभाओ। तो वैसे ही कंगना रनौत भी तो आई है, वो आई है, उन्होंने क्या कर रही है वो, हमें भी उनसे बीजेपी में शामिल हुई है ना। उससे मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछते हो, मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है उससे, वो क्या कर लेगी? वो जीत के आई है, कुछ नहीं कर सकती वो। मेरे को उनके बयान, मैं बयान सुनता हूँ, अब बयान तो अच्छे दो, तो ऐसे मेरे को ना कंगना जी सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल कंगना जी कब दमदार बयान। और तो विनेश फोगाट उसके सामने बेहतर क्या है कि नहीं है कैंडिडेट? बिल्कुल बेहतर है, वो उनने वो पटकनी दे के आई है, दो भी पचाड़ मार के आई है। बताइए सर, देखिए आप जीत के आई है, एक जो है अपना चमचागिरी करके आई है भाई। एक बात बताओ आप, विनीशा फोगाट, बबीता फोगाट, बबीता फोगाट को चुनाव किन्ने लड़ाया? भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी एक खिलाड़ी थी ना। जो आदमी आज ये कह रहा है कि भाई खिलाड़ियों पर राजनीति क्यों कर रहे हो, तो अक्षय कुमार भी एक्टर है, वो इंटरव्यू क्यों लेता है? भाई मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का कार्य कुछ है
अगर उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला और वो अपनी विचारधारा से कांग्रेस में ज्वाइन हो गई आज, अगर वो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन करती तो मैं उसे ये नहीं कहता कि ये गलत कर रही है। अगर उसने देखे सुनिए, वो उसका अपना विचार है कि मैं किसके साथ जाना चाहूँ। उसका एक इंटरव्यू सुना मैंने, उसने कहा कि जब मेरे ऊपर लाठियां भांजी जा रही थी और मेरा बुरा वक्त था तो मेरे साथ कौन खड़ा था ये भी मैं जानती हूँ, और हरियाणा के लोगों के साथ कौन खड़ा ये भी मैं जानती हूँ। अब देखिए सर, इनका ये सवाल है, इनका ये कहना भी है कि सो अगर वो जाती हैं उस बीजेपी पार्टी से, सॉरी कांग्रेस पार्टी में लड़ती हैं विनेश फोगाट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? आपने मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मैंने कब का मेरे को आपत्ति है? तो मतलब आप खुश हैं उनके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से? मैं क्यों खुश हूँ? ना मैं खुश हूँ ना मैं दुखी हूँ। उसके कांग्रेस में जाने से मेरा क्या भला हो रहा है? मेरा कुछ भला हो रहा है? मतलब आपको लगता है कि वो सही है? मुझे नहीं लगता, मेरे को किसी एंगल से सही नहीं लगता। सही क्यों नहीं लगता? अरे भाई साहब, मेरे को देखो अपना विचार है ना, वही मैं पूछ रही हूँ, सही अपना विचार है, वही पूछ रही हूँ, सही कह रहा कि उनको लगा कि उनका सपोर्ट कांग्रेस ने किया तो इसलिए ठीक है वो कांग्रेस के साथ चले गए, इसलिए वो उनका विचार है अपना। हर किसी का विचार नहीं हो सकता। वही विचार पूछ रही हूँ, जैसे इनका कहना है कि वो उन्हें सही नहीं लग रहा है, तो क्यों सही नहीं लग रहा, वही पूछ रही हूँ जनता का विचार। कहीं नहीं सही नहीं लग रहा, मैंने कहा चले गई वो तो मैच, जैसे इन्होंने कहा इनको अपना, हाँ मेरे को कुछ ऐसा ही नहीं है, इन खिलाड़ियों से भी ऐसा ही है भाई साहब। कांग्रेस की एक देखिए न्याय अभी पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, जरा राधिका खेड़ेगा जी से पूछ लीजिए, जब वो रो रही थी चिल्ला रही थी वो भी तब नारे लगाती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब नहीं बोल रही। अरे भाई साहब लड़की नहीं पाई, अब नहीं, चिंता का विषय है, क्यों नहीं लड़ पाई? तो भारतीय जनता पार्टी क्या केंद्र में आगे न्याय मिल जाएगा, हाँ अब बाकी के इनसे पूछिए कि पता नहीं न्याय कैसे मिलेगा। राधिका खेड़े को मैं जरूर लेटर लिखूंगा कि भाई न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रहते हैं वो न्याय दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं? देखिए किसी भी अभी जो जिससे विनेश फोगाट का लड़ाई था ब्रजभूषण का, वो तो भी भारतीय जनता पार्टी में। देखिए मैं इस पे भी इतना कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो विचाराधीन मामला कोर्ट में, और हम अगर हमें इतने वही वाली बात है अभिमन्यु के जैसा आधा अधूरा ज्ञान लेके घुसेंगे कोई फायदा नहीं है। अभी तक कोई इस पे वर्डिक्ट नहीं आएगा, जैसे वर्डिक्ट आएगा डेफिनेटली मैं आपके चैनल पे बोलूंगा कि ये सारी बात है। राजनीति भी एक धंधा है, बिजनेस है, जिसको जहाँ फायदा लगता है वो अपने वहाँ जाता है। क्या समझ रहा है, विनेश फोगाट को फायदा दिख रहा है? भाई फायदा दिखेगा तभी तो कहीं ना नौकरी, क्या फायदा, क्या नौकरी छोड़ी ना उसने, अब वो जहाँ वो सलूट मार देगा उसको लोग सलूट मारेंगे, नेता अगर बन गए टिकट दिया एक राजनीतिक फायदा, सब राजनीतिक फायदा। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, अगर उस बेटी को वो किसी मिल रही है रोटी जब काम कर रहा है, उनको भी रोटी तभी मिल रही है जब वो काम कर रहे हैं, उन्हीं का काम है, ठीक है ना। कोई राजनेता आपके फायदे के लिए नहीं काम करता, वो अपने लिए आता है, चाहे लालू यादव रहे हो चाहे मुलायम सिंह रहे हो, सब अपने अपने फायदे के लिए आते हैं। अच्छा मतलब कि आपको लगता है कि वो अपने फायदे के लिए आ रही है? हाँ वो तो कह रही है कि वो आएगी तो महिलाओं का संरक्षण होगा, सब कुछ अपने अपने काम है ना, बिजनेस है। मैं धंधा कर रहा हूँ तो मैं कम रेट में कुछ चीज बेचूंगा ना, मैं अगर धंधा कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कम रेट में वो धंधा है, समाज सेवा नहीं है। तो अमीर कैसे हो जाते हैं नेता फिर? हाँ। करोड़ों की प्रॉपर्टियां कैसे बन जाती हैं इनकी? लालू यादव झोपड़ी में रहता था, मुलायम सिंह झोपड़ी में रहता था, आज उनके पास संपत्ति कितनी है? बात है मोदी जी जिस तरह स्टेशन पे जाते थे गली गली बताते हैं वो चाय और 35 साल विकसित मांग के वो घूमे, तो मैं कहता हूँ नेता उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता। सबसे पहली चीज, जब वो दिल करता है वो जहाँ चाहता है वहीं खाता है वहीं कमाता है। क्या दिखा रहे हैं मेरे पास जो उन्होंने, ये देखिए मैंने सर्च कर रखा है कितने करोड़ की संपत्ति है। अच्छा ये दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है, टोटल संपत्ति दिखा रहे हैं। अगर राहुल गांधी को किसी अकाउंटेंट की जरूरत हो तो भाई से संपर्क, देखिए एसेट एसेट है, एसेट है 20। वो तो भैया फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। देखिए जननायक है, ऐसे जननायक, देखिए 140 सुनिए 140 करोड़ लोगों के पास होना चाहिए 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 5,000 करोड़ पहले देखिए जैसे मैंने निकाल लिया, क्यों निकाल लिया क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप जाओ नेशनल इलेक्शन इंडिया उसमें चले जाओ, आप मोदी जी की निकाल लो, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। किसमें क्या निकाला, क्या दिखा रहे? ये जननायक है जिसके पास 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 49। हाँ ये देखिए एसेट एसेट से 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ लोगों पे हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है भाई साहब, हजारों करोड़ रुपए की
सब बताया शेष, अरे शेष भी सुनो, ये तो बस 20 करोड़ रुपए घर की संपत्ति है। शेष सुनो, ये देखिए, ये देखो आपको मैं बताता हूँ, ये तो कंप्लेंट आ गई, उनके ऊपर कंप्लेंट भी देख लीजिए कितनी कंप्लेंट है भाई साहब। यहाँ पे पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के लाए, खोल के दिखा रहे हैं। इनके पास एक हुई थी कंप्लेंट, ये इनका असम में हुई थी गुवाहाटी में कोर्ट ऑफ चीफ, चाहे इन पे दफा लगी है 400, ये देखिए उसके बाद कंप्लेंट सुनिए सुनिए कोर्ट ऑफ, इन्हें दफा भी नहीं पता कोर्ट ऑफ, ये देखिए ये हुआ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अब ये देखिए सुनिए मेरी बात, ये चार सीट दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में, ये देखिए अहमदाबाद गुजरात और कोर्ट सारे केस दिखा रहे हैं उनके ऊपर, पटना में, गुजरात में, झारखंड में। और सुनिए मोदी जी पे दिखा दो, सुनो अब दिखा दो मोदी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये फैक्ट लिया है, इनकी मेहनत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये मेहनत लेकर यहाँ गलियों में मत घूमो, बस्ते में लेकर फ्रंट पर आओ और दिखाओ भाई साहब। आप तो आईटी सेल के लिए काम कर रहे हो, हमें तो पता है, अब ऐसी संपत्ति का ब्योरा ऐसे तो दुनिया भर के नेताओं के पास है, 70,000 करोड़ का घोटाला करे बैठे लोग देश में, बजाज फाइनेंस लिमिटेड देखे 35 करोड़, देखिए 35,39,400, अब देखिए डॉक्टर लाल पैतल, अरे भैया, अरे भैया एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट भाई साहब, ये भैया ये 35, एक मिनट, एक मिनट, 35 करोड़, लाख को करोड़ बताया जा रहा है, कितने कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, जो सके 35 करोड़ को, कितने शर्म की बात है, 42 लाख, 12 लाख, देखिए देखिए 12 लाख तक के हैं इनके, ये देखिए पूरा डेटा है मेरे पास, तुम डेटा निकाल के दिखाओ मोदी जी का, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने हमें राहुल गांधी का, एक सेकंड, राहुल गांधी का इन्होंने हमें डेटा दिखाया, जिसमें ये बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या है नहीं है, ये सारा डेटा इन्होंने दिखाया भाई साहब ने, वही पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी का भी ऐसा बहुत सारा डेटा है, पहले 4 पैसे थे और अब यहाँ पे संपत्ति कमाने के, बाबू हमारे हाथ में तो दो धनी, ये देखो नेशनल इलेक्शन ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, हमारे हाथ में इनका डेटा, अभी इन भाई साहब ने डेटा दिया, मैं दिखाता हूँ, इन्होंने बताया मोदी ने 35 करोड़, ये 35 लाख है भैया, किसी को मेहनत आती है, अच्छा बोल तो दिया, सबसे दूसरी चीज सुनो, ऐसे जितने भी ब्योरे हैं, इस तरह के ब्योरे, ये फर्जी ब्योरे हैं, इनके कोई तत्व नहीं है, ये मनगढ़ंत चीजें हैं, ये कमीशन फर्जी है, फर्जी नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कैसे प्रूफ कैसे करोगे इसको, कर दिया प्रूफ, कैसे कर दिया, आप ही बताइए, वो यहाँ पे डेटा के साथ आए थे, डेटा के साथ बात कर रहे हैं, डेटा गलत है, उनका कहना डेटा गलत है, कर दिया, मानता हूँ डेटा लाए, सुनो मैं पूछ रहा हूँ, इस डेटे के अंदर उस आदमी को खुद नहीं पता क्या लिखा है, वो अमाउंट को धाराओं में गिनना है, वो लाख को करोड़ में गिनना है, तो ऐसे आदमी को ये डाटा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है, और मैं कह रहा हूँ अगर उस आदमी ने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है ना, जिसका डाटा और ब्योरा, सुनिए मेरी बात, उस आदमी ने इस बात को तो एक्सेप्ट करा है, और शेयर बाजार में इस देश का कौन सा ऐसा आदमी है जो पैसा ना लगाता हो, फिर तो इसमें गलत क्या है भैया, उसके ऊपर जो केसेस हैं, उसके ऊपर केसेस बाकी नेता पे नहीं है, अमेरिका का वीजा नहीं मिला 5 साल तक, तो अमेरिका ने ही बुलाया, अमेरिका ने ही बुलाया,
पाँच साल बाद प्रधानमंत्री बात कर रहे हो ना तो भैया ऐसा हमने तो नाम नहीं लिया, हमने तो नाम नहीं लिया, बात कर रहे हो आप मोदी की बात कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं, मोदी की बात कर रहे हैं। देखो मोदी को खुद अमेरिका ने बुलाया, उसने खुद मना किया, वो नहीं गया वीजा के लिए, अमेरिका खुद आया चल के, आज अमेरिका ही उसके अवगत करता है। आज अगर इंडिया दूसरे नंबर पे कुछ बातचीत चलते हैं तो मोदी की वजह से चल रही है, ठीक है ना। उस सीट पे जो भी होगा प्रधानमंत्री की सीट पे हमारे सरदार जी भी थे उस सीट पे, और जब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी वहाँ एकदम पीछे फोटो होती थी उनकी, मनमोहन सिंह। ये देखिए कितना बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप ये बताइए जब देश कर्जे में डूबा हुआ था उन्हीं मनमोहन सिंह ने देश के लिए गोल्ड गिरवी रखा, बिल्कुल जो उन्होंने करा उसे ही करा उन्होंने, तो उन्होंने सोनिया गांधी ना जो बना आपने तो वो देख दिया, मूवी देखा उसमें उनको साफ साफ पता चला कि जो है वो अंडर प्रेशर काम करते थे। मैडम एक करार भाई साहब को देखो, मनमोहन सिंह ने मूवी बनाई अच्छी बात, कश्मीर फाइल बनाई अच्छी बात, और तुम्हारा क्या नाम है ये खेलना स्टोरी बनाई ये भी अच्छी बात, एमरजेंसी बना रहे हो बहुत अच्छी बात। एक मिनट, एक कांड हुआ था हिंदुस्तान में गुजरात में कोतरा कांड, अगर है नमक तो बना के दिखाओ, कोई है क्या, कोई है कोई, कब आप उसे प्रोड्यूस करेंगे, क्यों प्रोड्यूस करेंगे, ये तो अन्य अखिलेश के आदमी है, हम तो अखिलेश के आदमी बात हम कर रहे थे, विनेश फोगाट की बात हम कर रहे थे, बजरंग पुनिया की बात कर रहे थे, हरियाणा इलेक्शन की, लेकिन बात घूम फिर के कहीं और चली गई, राहुल गांधी और मोदी जी पे चली गई। ये जो दोनों जो प्लेयर वो आए हैं आपके, ठीक है ना, तो प्लेयर देख के उनको वोट नहीं दिया जाएगा, उनको एज अ कैंडिडेट देखा जाएगा कि वो कौन सा कैंडिडेट उस एरिया में सक्षम है जो वहाँ के ऑलरेडी विधायक है। जानकारी दे दूं, इन्हें जानकारी कम है, इन्हें मैं बता दूं, उन जो भी रेसलर जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है वो देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां हैं, वो किसी कोने से किसी हिस्से से भी खड़ी होंगी ना भारत के, जो भारत से प्यार करता है भारत के खिलाड़ियों से प्यार करता है वो उन्हें जिताने का काम करेगा। मैं चलिए इनकी बात को मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे सिटिंग एमएलए जो भी होगा क्या उसका काम नहीं देखा जाएगा, उसका काम नहीं देखा जाएगा। आप ओलंपिक में हो, ठीक है ना, ओलंपिक में आपने काम करा ना, अब ऐसे उड़ो ना जो हीरो है वो रियल धरती पे काम कर ले, अमिताभ बच्चन ने वोट जीते उन्होंने काम कर लिया। अक्षय कुमार इंटरव्यू लेंगे जी, अब आपके शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छा एक्टर रहे तो क्या वो राजनीति में अच्छा काम कर पाए, नहीं कर पाए। जया बच्चन बहुत अच्छा काम कर पाए, नहीं कर पाए, तो दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। अब वो यहाँ पे कितना धरातल पे काम कर पाते, मतलब जो काम करेगा अभी वही बनेगा यहाँ पे एमपी और एमएलए, ऐसे किसी को भी ला के बना देने से नहीं होता है। खैर जनता की अपनी अपनी राय थी, यहाँ पे बात तो हम लोग कर रहे थे विनेश फोगाट की, मैंने जैसे बताया हरियाणा इलेक्शन के, लेकिन बात घूम फिर कई जगह चली गई, और इसी में हम वीडियो को यही खत्म करते हैं, और देखना अगर आपको कैसा लगा पूरा वीडियो हमें बताइए, धन्यवाद।